जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में फंसने वाले पहले राजनेता नहीं हैं। पहले भी कई राजनेता सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं, जिससे कई सारी सुर्खियां बनी और उनका करियर बुरी तरीके से चौपट हो गया। यहां पर हम आपको कुछ भारतीय राजनेताओं के बारे में बताएंगे जो कई सारे सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। सबसे पहले नाम आता है सुरेश राम का। हालांकि सुरेश राम भारतीय राजनीति में कोई जानी मानी हस्ती नहीं है, लेकिन इस सेक्स स्कैंडल की गाज उनके पिता बाबू जगजीवन राम पर गिरी थी। कई लोग उन्हें संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते थे। वो एक शक्तिशाली दलित नेता थे जिन्होंने 1970 के दशक के अंत में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था, लेकिन 1978 में सूर्य नामक एक पत्रिका जिसे तब मेनका गांधी द्वारा संपादित किया गया था, उन्होंने दो पेज की तस्वीरों को प्रकाशित किया जिसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम को एक युवा महिला के साथ उत्तेजक मुद्रा में दिखाया गया था, जिसमें उनके राजनीतिक करियर को गंभीर तरीके से नुकसान भी पहुंचा था। जगजीवन राम किसी भी असफलता से पीछे नहीं हटे, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों के लिए याद किए जाने के बजाय लोग उन्हें इंटरनेट पर उनके बेटे की अभी भी उपलब्ध छवियों से ज्यादा जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा जुलाई 2013 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य को हिरासत में लिया गया और उन पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377, 506 और 34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। उन पर अपने सहायक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप था। इसके अलावा कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी को एक वीडियो में अपमानित होना पड़ा था, जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकील के चैम्बर के अंदर एक महिला वकील के साथ अश्लील मुद्रा में दिखाया गया था। वीडियो जिसे उनके ड्राइवर ने स्पष्ट रूप से उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्ड किया था, एक सीडी के रूप में सामने आया था और तब से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे किसी भी रूप से प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 2011 में राजस्थान में एक सरकारी कर्मचारी भवरी देवी लापता हो गई। इसमें कई सारे आरोप लगे कि इसमें मंत्री महिपाल मदेरणा शामिल थे। एक लीक हुए वीडियो में संबंध भी दिखाया गया था और मदेरणा ने अफेयर के बाद स्वीकार की, लेकिन अपहरण से इनकार कर दिया और बाद में सीबीआई ने उन्हें एक और अन्य राजनेता को देवी को खत्म करने की साजिश से जोड़ा। हालांकि उनका शव कभी भी बरामद नहीं किया गया। वहीं इस मामले में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया और एक शक्तिशाली मंत्री का पतन हो गया। इसके अलावा 2009 के एक क्लिप में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कथित तौर पर तीन महिलाओं के साथ बिस्तर पर देखा गया था, जिसे एक तेलुगु चैनल पर दिखाया गया था। आखिरी झटका 2012 में आया जब डीएनए प्रशिक्षण में पता चला कि तिवारी दिल्ली में रहने वाले एक युवा व्यक्ति के जैविक पिता हैं। तिवारी ने सालों तक एक बच्चे का पिता होने से इनकार किया था, जिसमें कार्यकर्ता शहला मसूद की 2011 में जान ले ली गई थी। वहीं जांच के दौरान उनके रिश्तों का एक जटिल जाल भी सामने आया था। जाहिरा जिस पर जान लेने में शामिल होने का संदेह था, उनके एक राजनेता ध्रुव नारायण सिंह के साथ एक रोमांटिक संबंध भी सामने आए थे। वो अंतरंग साक्ष्यों के साथ प्रकाश में आए, जिससे अफवाहों को बल मिल गया। हालांकि इस कहानी को व्यक्तिगत उलझनों को शामिल करके सनसनीखेज बनाया गया था, लेकिन इसमें जान लेने के मामले का मुख्य केंद्र बिंदु नहीं था और ना ही कोई सेक्स स्कैंडल इसमें सामने आया था।